वेल हेलो गाइस, दिस इज एटके एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल द एटके मस्तो। आज हम लोग खेलेंगे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज पार्ट 4। तो गाइस, ये हम लोग स्पॉन हो गए हैं। मैं यहाँ पे मॉब्स देख लेता हूँ आए हैं कि नहीं। गाइस यहाँ पे तो एक भी मॉब नहीं आए हैं। यार काम नहीं कर रही है अच्छे से। यहाँ से कुछ सैंड कलेक्ट कर लेता हूँ ग्लास बनाने के लिए। यहाँ पे कंप्लीट हो गया है हमारे पास सैंड के एक स्टैक हो गए गाइस। अब मैं कुछ आगे से ग्लास सैंड कलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लगभग मैंने 2.5 स्टैक ग्लास बनाने के लिए सैंड कलेक्ट कर लिए हैं। देख लेता हूँ लेकिन उससे पहले तो उस ग्लास बनाने के लिए फर्नेस बना लेता हूँ। यहाँ पे 32 फर्नेस बन रहे हैं तो इन्हें पहले बना लेता हूँ। इसको मैं अपने एक्सपी फार्म के ऊपर लगाता हूँ ताकि यहाँ पे एफके भी रह सकूँ मैं, मतलब ऊपर कुछ स्मेल्ट करते करते एफके भी हो। गाइस मैंने इन्हें लगा लिया है। अब मैं इनमें ग्लास भर देता हूँ लेकिन इसमें कुछ जलाने के लिए है नहीं गाइस अभी मेरे पास, तो मैं अभी कुछ ले आता हूँ जलाने के लिए। यहाँ पे वाटर बकेट करेंगे। ओ भाई साहब, वाटर बकेट हो गया गाइस। एंचेंटमेंट टेबल बनाने की रेसिपी देखी। अभी मेरे पास 3 ऑब्सीडियन तो है, अभी गया था माइन करने तो 3 ऑब्सीडियन तो मिल गए थे। अच्छा चौथा हमारे पास है गाइस, तो चौथा लावा बकेट है तो उससे हम लोग चौथा ले लेंगे। पहले तो कुछ एक्सपी ले लेते हैं। गाइस मैंने ऑब्सीडियन लावा बकेट से ऑब्सीडियन तो बना लिया है। गाइस मैं यहां से कुछ वीट के सीड्स कलेक्ट कर लेता हूं। यहाँ पे शुगर केन भी दिख गए तो शुगर केन भी कलेक्ट कर लेता हूँ। गाइस मैं कुछ अपनी इन्वेंटरी सॉर्ट कर लेता हूँ। पहले तो इन्हें खाली कर लेता हूँ।
ये अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो अब यहाँ पे मैं वीट बोन मिल मार के वीट उगाऊंगा जल्दी जल्दी। तो गाइस मैं इन पे अब बोन मिल भी मार लेता हूँ ताकि जल्दी ग्रो हो, टाइम हमारे पास उतना है नहीं। गाइस तो मैं इनमें ब्रीडिंग करवा देता हूँ। गाइस तो मैं इनसे लेदर भी निकाल लेता हूँ, एक एक लेदर दे रहे यार। ओ बच्चा बड़ा भी हो गया, इसने तो लेदर भी नहीं दिया यार, इन्वेंटरी भर गई। गाइस तो यहाँ रात हो गई है तो मैं सो लेता हूँ। खाली कर लेता हूँ एन्चेंटमेंट टेबल भी बना लिया गाइस। गाइस ग्लास सैंड स्मेल करके ग्लास बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत तो पड़ेगी, तो इसको उगा लेते हैं। हम स्प्रूस ट्री उगाएंगे एक्सपी फार्म के ऊपर। स्प्रूस के ट्री उगा लेता हूँ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो गाइस आपको मालूम होगा कि ये कहाँ से मिला था। ओ भाई साहब दो ही बोन मेल में उग जाएगा। चलो अब मैं कुछ काट भी लेता हूँ पेड़।
गाइस मैंने बहुत सारी लकड़ियां तो काट ली, अब मैं ब्रीडिंग करवा देता हूँ काउस के बीच में। यहाँ पे एक बच्चा तो आ गया है, तो गाइस मैंने बहुत सारी ब्रीडिंग करवा के बहुत सारे गाय को बना मतलब पैदा कर लिए थे, तो मैं इन्हें मार के उनसे लेदर भी कलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ ले भी देख गए थे तो नहीं भी ले लेता तेरा कोटा बनाने के काम आएंगे। कलेक्ट कर लिए हैं, जब मैं कुछ खाने को पकाने के लिए रख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास इन्वेंट्री में चीजें बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइज यहाँ पे मैं कुछ पेपर भी बना लेता हूँ, अब मैं बुक्स बना लेता हूँ पेपर से। 20 बुक्स बनी है, बुक्स सेल्फ्स बना लेता हूँ अब इनसे। मेरे पास लैपिस की कमी हो गई थी तो मैं लैपिस लेने चला गया था पास वाले केव से। लगभग कर लिया इंसान, भाई नीचे पूरी झुंड है, सब
तक मैं और कुछ इंसाइट कर लेता हूँ। मैंने स्टोन की पिकेक्स तक को मैंने नहीं छोड़ा है, इंचार्ज कर लिया इनको भी। यहाँ पे सुबह भी हो गई है। फिल्ड इंसान तो नहीं होती क्या गाइस? मुझे कमेंट करना एक बार, यहाँ पे हो नहीं रहा है। वॉइस की वजह से शायद ज़ॉम्बीज भी स्पॉन नहीं हो रहे नीचे फार्म में। गाइस मैं इसे नीचे फिक्स करता हूँ। गाइस मैं इसे यहाँ पे बना लेता हूँ।
तो गाइस यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है. थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़.